स्वागत है आपका ज्योतिष वास्तु और उपाय के चैनल पे। बात करेंगे मेष राशि वालों के लिए केतु ग्रह क्या फल देंगे। केतु ग्रह हस्त नक्षत्र में आ रहे हैं और हस्त नक्षत्र में आकर के मेष राशि वालों को क्या परिणाम देंगे। मेष राशि में भी तीन नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी और कृतिका। तीनों नक्षत्र के नाम के आधार पर हम बात करेंगे कि आपको क्या प्रभाव मिलेगा। संपूर्ण रूप से, समग्र रूप से मेष राशि की बात करें तो उससे आपका विवेचन सही नहीं होगा, क्योंकि नक्षत्रों के आधार पर हम बात करेंगे कि चै, चू, चोर, लो, ये जो चार अक्षर के नाम अक्षर वाले लोग हैं तो किन नाम अक्षर वालों को, किन नक्षत्र वालों को अलग अलग परिणाम देंगे। ये सबको, पूरे मेष राशि वालों को एक सा नहीं देंगे, अलग अलग देंगे। अगर आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में होगा तो ये क्या परिणाम देंगे, भरणी में है तो क्या परिणाम देंगे, और कृतिका में आपका जन्म हुआ है तो क्या परिणाम देंगे, तो हम इसके विस्तार से चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं केतु का हस्त नक्षत्र में प्रवेश। केतु हमारे जीवन के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। ये वैरागी बनाता है, अकेलेपन का कारक है, ध्यान का कारक है। इस केतु का जो सिर नहीं है केवल धड़ है, इस कारण से इसमें इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा है। और ये जा रहे हैं केतु सीधे सीधे कन्या राशि में, जो कि बुध की राशि होती है, और हस्त नक्षत्र में जा रहे हैं जो कि चंद्रमा का है, जिसके स्वामी सूर्य है। तो क्या उठा पटक होगी, सभी लोग कह रहे हैं कि इसमें बहुत ही गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि केतु पिछले कर्मों का हिसाब भी हमको देता है। परंतु देखिए, केतु पर किसी भी ग्रह की शुभ दृष्टि नहीं है, परंतु फिर भी ये मेष राशि वालों को शुभ परिणाम समग्र रूप से, और सभी राशि वालों को समग्र रूप से शुभ परिणाम देंगे जब 1 मई को गुरु ग्रह राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में जाएंगे। और वृषभ राशि में जाने के कारण ये केतु पे अपनी दृष्टि डालेंगे और गुरु की ये जो शुभ दृष्टि पड़ेगी, बृहस्पति की ये शुभ दृष्टि पड़ेगी, तो सभी लोगों के लिए अच्छा समय शुरू होएगा 1 मई को। केतु ग्रह जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं वो 4 मार्च को करने जा रहे हैं, 4 मार्च को करेंगे और 10 नवंबर तक ये रहेंगे हस्त नक्षत्र के अंदर। तो केतु मंगल की तरह व्यवहार करते हैं और बुध की राशि में जा रहे हैं, तो थोड़ा सा कन्या राशि वाले बेचैन रह सकते हैं। परंतु इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष राशि, मेष लग्न और मेष राशि के नक्षत्रों के लग्न का नहीं, मेष राशि वालों के हम इसमें बात करेंगे। तो पहले तो हम नक्षत्रों के हिसाब से बात करेंगे, फिर हम डेट वाइज भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अश्विनी नक्षत्र में। जिन लोगों का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है उनका नक्षत्र का स्वामी भी केतु ही है। तो केतु आपके हस्त नक्षत्र में जा रहा है, 6ठे घर के अंदर जा रहा है, तो आप लोगों को 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। कब तक? 10 नवंबर तक। माता के स्वास्थ्य में आपके परेशानी आएगी, परंतु आप चिंता बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि माता का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। बैंक से कर्ज आपको आसानी से मिल जाएगा, परंतु आप कर्ज लेने से बचे। विदेश से संबंधित आपका कोई भी काम, कारोबार, व्यापार या शिक्षा से संबंधित कार्य अटके पड़े हैं तो वहां आपको लाभ होगा। केतु के मंत्र का आप लोग जाप करें अगर आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो। हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान अष्टक का पाठ करें, बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होगा। अब जिन लोगों का जन्म हुआ है भरणी नक्षत्र में, भरणी नक्षत्र शुक्र का है और शुक्र के इस भरणी नक्षत्र में ही गुरुदेव चल रहे हैं, और भरणी नक्षत्र वालों के लिए ये जो टाइम है 4 मार्च से लेकर 11 नवंबर तक, 10 नवंबर तक का करीब करीब आपके लिए थोड़ा सा तनावपूर्ण संबंध समय रह सकता है। अच्छा समय भरणी नक्षत्र वालों के लिए कई मामलों में नहीं है, क्योंकि जीवन साथी से आपके तनाव हो सकते हैं इस समय। पहले से प्रॉब्लम चल रही है तो अलगाव और तलाक की स्थिति का निर्माण ये कर रहे हैं, तो जीवन साथी के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ संबंधों को बना करके चलें, क्योंकि वहां आपको बहुत ही ज्यादा टेंशन, तनाव, परेशानी और दिक्कतों का सामना, विचार न मिलना, मनों में भेद, मतों में भेद आपको देखने को मिलेगा। अगर आपका व्यापार चलता है तो व्यापार में आपको बड़ी मुश्किल से आप व्यापार में बराबर पे निकल पाएंगे, तो बहुत बढ़िया है निकल पाए तो, वरना व्यापार में घाटा होने की स्थितियां निर्मित कर रही है। बिजनेस में कोई व्यक्ति अगर आपका पार्टनरशिप में है या वैसे है, आपका धोखा खाने की भी स्थितियां निर्मित हो सकती है। तो जो भी कार्य करें सोच समझ के करें, व्यापार में किसी भी कागजों पर साइन कर रहे हैं तो बहुत ही सावधानी के साथ करें, किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप करने जा रहे हैं तो सावधानी के साथ करें, ताकि आपके संग कोई धोखा, फरेब, चीटिंग ना हो। आप लोगों को भी गलत कार्यों से दूर रहना है, हर कार्य सोच समझ के करना है, किसी की सलाह लेके करना है, अचानक से किसी भी कार्य में न कूदें, जल्दबाजी से आप नियंत्रण में रहें, नियंत्रण करके रहें। माँ लक्ष्मी की आराधना,
केतु के मंत्रों का जाप और हनुमान चालीसा का जाप, ये आपको परेशानियों से मुक्ति दिलाएंगे। अब जिन लोगों का जन्म कृतिका नक्षत्र में हुआ है, तो कृतिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है। नाम के अक्षर भी चल रहे हैं, नाम के अक्षर के आधार पर भी आप इसको वीडियो को देखते जाइए, जो आपका जन्म नाम है वो आता जाएगा। अब कृतिका का केवल एक ही चरण आता है मेष राशि के अंदर। तो कृतिका नक्षत्र जिनका सूर्य है स्वामी, बहुत ही शानदार समय आप लोगों का रहने वाला है। आप लोगों की उन्नति होगी, जो भी काम कारोबार करते हैं आपको प्रोग्रेस मिलेगी। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको प्रोग्रेस होगी, अगर आप गृहिणी हैं तो आपको भी उन्नति होगी, और जो व्यापार में है, नौकरी में है, प्रमोशन की स्थितियां निर्मित हो रही है। एक तरफ से देखें तो ये टाइम जो 4 मार्च से लेकर 11 नवंबर का है, आपको ग्रोथ का समय है, उन्नति का समय है, हर तरफ से प्रॉफिट गेन करने का समय है। तो आप लोगों के लिए बढ़िया समय रहने वाला है, आप बिल्कुल भी चिंता इस समय न करें। श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं आप, जिनका जन्म कृतिका में हुआ है। सूर्य मंत्र को मंत्र का जाप करना, सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करना, सूर्य को जल चढ़ाना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होगा। तो नक्षत्रों के आधार पर यह रहेगा कि जो उनका जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है, उन लोगों के लिए परेशानी भरा समय ये रह सकता है। देवी की आराधना करें, हनुमान चालीसा और केतु के मंत्रों का जाप आपको परेशानियों से मुक्ति दिलाएगा। अब डेट वाइज भी हम चर्चा करते हैं, क्योंकि जो केतु ग्रह है वो जासूसी का नक्षत्र है। केतु का जो नक्षत्र होता है हस्त नक्षत्र, हस्त का मतलब होता है हाथ, इनका जो चिन्ह है हस्त नक्षत्र का हाथ है, हाथ से ही हम सभी कार्य करते हैं। जादूगर जो जादूगरी का काम है आपका, तो आप हाथ से बड़े अच्छी तरह से कर पाएंगे। केतु एकांकीपन देता है, वैरागीपन देता है, अलगाव देता है, हर चीजों को छोड़ के आगे बढ़ने को भी प्रेरित करता है। यानी कि जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे आपको विमुख करने का भी ये कार्य करता है। तो इस समय आपको अपने आप पे नियंत्रण बना के रखना है। डेट वाइज अब हम चर्चा करते हैं कि केतु के हस्त नक्षत्र में आने से आपको 4 मार्च से लेकर 6 मई तक का समय, करीब करीब ये 1 माह का समय है, मार्च अप्रैल और मई, 2 माह का ये समय है। इस समय आपको क्या सावधानी रखनी है, इस समय आपको सावधानी रखनी है कि आप अपने व्यवहार को बहुत ही संयमित रखें, अपने व्यवहार को नियंत्रण में रखें, टीका टिप्पणी न करें, छींटा कसी न करें, ईमानदारी के साथ आप चले। उसके बाद 6 मई से लेकर 7 जुलाई तक का जो 1 माह का समय है, ये समय थोड़ा सा नकारात्मक है। इस समय आपके मन में डर व्याप्त हो सकता है, आपकी बुद्धि भ्रमित हो सकती है, तो अपनी बुद्धि को कंट्रोल में रख के चलेंगे तो बेहतर परिणाम प्राप्त होगा। फिर 7 जुलाई से 9 सितंबर, ये भी 1 माह का समय है, करीब करीब ये समय अच्छा जाएगा। जुलाई से लेके अगस्त और ये फिर सितंबर स्टार्टिंग, यानी कि 1 माह तक का जो ये समय है, इसमें आपके सुख सुविधाओं की वृद्धि होगी। संतान प्राप्ति का प्रयास कर रहे तो संतान प्राप्ति के प्रयास सफल होंगे, और जिनको संतान चाहनी है उनको संतान की प्राप्ति होगी। वाहन का सुख भी आपको इस समय मिल सकता है। तो 7 जुलाई से 9 सितंबर का समय श्रेष्ठ समय है। फिर 9 सितंबर से लेके 11 नवंबर तक का समय, ये जो करीब करीब सवा महीना का समय है, इस समय मंगल के नवांश में चंद्रमा चलेंगे, तो आप काफी पराक्रमी रहेंगे, परंतु जल्दबाजी से बचें, क्रोध से बचें। इस समय न तो किसी को धोखा दे, और अगर आपको कोई धोखा खाने की संभावना बन रही है, पार्टनरशिप का व्यापार है, बिजनेस का व्यापार है, तो किसी भी व्यक्ति पर ब्लाइंड फेथ न करें, एकदम से आप किसी भी विश्वास न करें, किसी भी कागज पर साइन न करें, किसी भी प्रकार के पार्टनरशिप कर रहे हैं तो बहुत ही सावधानी के साथ करें। ये जो समय है मंगल के नवांश का, ये खेल जगत वालों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, सेना के लिए, पुलिस के लिए अच्छा है, पॉजिटिव समय है। पूरे गोचर के अंदर आपको खान पान पर नियंत्रण बना के रखना है, पेट से संबंधित रोगों से सावधान रहना है। तो केतु का ये जो नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, आपके जीवन में बहुत सारी बदलाव का समय हो रहा है, एक तरह से जानिए। बहुत सारी जो परेशानियां हैं उसको पूर्व में ही आपको भान हो जाएगा, और इस राशिफल के हिसाब से डेट वाइज आप ध्यान रखते रहें कि कहाँ आपको सतर्क रहना है और क्या उपाय करना है। संपूर्ण विस्तृत चर्चा ये नक्षत्र और डेट वाइज थी। अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो आप इसे अन्य लोगों को शेयर कीजिए। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो प्लीज कमेंट करके आप अवश्य ही बताएं। और बने रहिए चैनल पे, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद। केतु